फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए रुद्रा होम रेमेडीज को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्र होम रेमेडीज। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे थायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन्स पैदा होता है। यह ग्रंथि शरीर की हर कोशिका, अंग और उत्तक पर प्रभाव डालती है। साथ ही साथ यह शरीर का तापमान, शरीर का वजन, हार्ट रेट, पाचन क्रिया, ऊर्जा सबको नियंत्रित करती है। हालांकि ये बहुत छोटा अंग है लेकिन ये हमारी तंदुरुस्ती के लिए महत्वपूर्ण है। थायराइड की स्थिति में जब थायराइड हार्मोन्स अधिक बनता है तो उस स्थिति को हाइपरथायराइड कहा जाता है। हाइपरथायराइड में ग्रंथि ज़्यादा प्रभावी होती है और थायराइड हार्मोन्स यानी कि थायरोक्सिन ज़्यादा पैदा करती है। हाइपरथायराइड में कुछ आहारों का परहेज करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कौन से वो आहार हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए। अधिक शुगर वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। हाइपरथायराइड से ग्रस्त लोगों को गन्ना, डेक्ट्रोस मतलब ग्लूकोज पाउडर, कॉर्न सिरप आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें मौजूद कैलोरी और शुगर से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ सकता है। हाई ब्लड शुगर हाइपरथायराइड वालों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। सॉफ्ट ड्रिंक, पैनकेक, जैम जैली, कुकीज, केक, पेस्ट्रीज, कैंडीज आदि का सेवन ना करें। नमक से थायराइड ग्रंथि ज़्यादा प्रभावित होती है, इसलिए हाइपरथायराइड से ग्रसित लोगों को ज़्यादा नमक का खाना नज़रअंदाज करना चाहिए। समुद्री शैवाल, कैल्प और कोई सी फूड ना ले जिसमें आयोडीन ज़्यादा होता है। हाइपरथायराइड वालों को ये बिल्कुल सेवन नहीं करने चाहिए। हाइपरथायराइड में शुद्ध दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका उपयोग सही नहीं है, इसीलिए इसे नज़रअंदाज करना चाहिए। मलाई या क्रीम निकला हुआ दूध लें जो कि पचाने में आसान और स्वास्थ्यकर होता है। आपको कैफीन बिल्कुल भी नहीं लेना है, इससे थायरोक्सिन ज़्यादा पैदा होता है। यदि आप पहले से ही हाइपरथायराइड से पीड़ित हैं तो आपको कॉफ़ी, शुगर और अन्य उत्तेजक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप पानी और फ्रूट जूस ले सकते हैं। यदि आपको दूध उत्पादन जैसे मक्खन, आइसक्रीम, दही आदि से अपच, सूजन, थकान आदि होती है तो इनसे परहेज करें। दोस्तों अब जानते हैं कि थायराइड से बचने के लिए आपको क्या खाना चाहिए। देखा जाए तो थायराइड एक गंभीर समस्या है, लेकिन अगर इसका समय पर इलाज लिया जाए और अपने खानपान पर ध्यान दिया जाए तो इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। आज हम आपको थायराइड से बचने के लिए 5 आहार बता रहे हैं। थायराइड के मरीजों के लिए मशरूम अच्छे आहारों में से एक है। इनमें सेलेनियम की मात्रा अधिक होती है जो थायराइड को कंट्रोल करने का काम करता है। जो लोग थायराइड नामक बीमारी के शिकार हैं उन्हें अपने डाइट में अंडे जरूर शामिल करने चाहिए। इनमें सेलेनियम पाया जाता है जो मरीजों को काफ़ी आराम पहुंचाता है। साथ ही अंडों से कमजोरी भी दूर होती है। वैसे तो नट्स का सेवन सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन थायराइड के मरीजों को नट्स अपनी डाइट में खास तौर पर शामिल करने चाहिए। नट्स थायराइड से होने वाले हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। बादाम और अखरोट इस बीमारी के लिए अच्छे आहार हैं। थायराइड के रोगियों के लिए दही सबसे बेहतर आहार माना जाता है। दही खाने से शरीर में इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है जिससे थायराइड कंट्रोल में रहता है और काफ़ी हद तक सही भी होता है। मेथी हमें कई तरह के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाती है। थायराइड नामक बीमारी के लिए भी मेथी अच्छा आहार है। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो थायरोक्सिन हार्मोन्स को कंट्रोल करने में सहायक होता है। तो यह है दोस्तों हाइपरथायराइड में क्या खाएं और क्या ना खाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ दोस्तों हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल रुद्र होम रेमेडीज को आज ही सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।